हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रोशनी बानो रोज़ का किचन में आज फिर आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज मैं रोज़ का किचन में कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, लेकिन एक आज होम रेमेडी क्रीम लेके आई हूँ। होप आप सबको पसंद आएगा। अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर सीजन में सबका स्किन ड्राई होता है, हाथ पैर चेहरा सब ड्राई हो जाता है। और कभी कभी बाहर का जो हम लोग क्रीम खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, उससे भी कभी कभी हम लोग के ड्राई स्किन को काम नहीं करता है। लेकिन 100% श्योर है कि ये मेरा होम रेमेडी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये काम करेगा, क्योंकि ये बहुत लाभदायक है। मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को यूज़ करने दिया है और सबका रिजल्ट आया है अच्छा। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर एक बार ये होम रेमेडी ट्राई कीजिएगा और आप भी बनाइएगा, और बना के आप ट्राई करके अगर पसंद आए तो आप ज़रूर ये यूज़ कीजिएगा। तो पहले चलते हैं, देखते हैं किस तरह से ये होम रेमेडी क्रीम बनता है। विंटर्स देखिए किस तरह से बनते हैं। यहाँ पे पहले लेना है 1 चम्मच नारियल का तेल। अब इसको थोड़ा सा गर्म करना है क्योंकि ये जम गया है। अब ये नारियल का तेल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच एलोवेरा जेल। ये मैंने रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ किया है, पतंजलि का है। आप कोई भी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही करे। और का एलोवेरा जेल आप इस पे नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके गार्डन में, आपके गमले में जो एलोवेरा होता है, बस उसका बाहर का छिलका निकाल के अंदर का पल्प को आप इसी तरह से डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ पे रोज़ वाटर, डाल रही हूँ 1 चम्मच रोज़ वाटर, और इसको भी अच्छी तरह से मिला रही हूँ। अब यहाँ पे डाल रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल। इस तरह से इसके कैप को ऊपर से कैंची से काट के मैं इस तरह से डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कैप्सूल विटामिन ई का, 2 कैप्सूल मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये मेरा अच्छी तरह से फेंटने के बाद रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप देख सक रहे हैं कितना क्रीमी हुआ है। तो अब इसको क्या करना है, हमें सोने से तरह से मसाज कीजिए रात को सोने से पहले। अगर दिन में भी आप करेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, लेकिन क्या होता है कि दिन में चिपचिपाहट रहता है, तो इसीलिए ये सोने से पहले आप हाथ में, अपने पैर में और चेहरे में इसी तरह से लगा के, लगाने के बाद चेहरे में भी थोड़ा सा मसाज कीजिए, हाथ में भी थोड़ा सा मसाज कीजिए और उसी तरह से सो जाइए। और सुबह उठ के मुंह धोने से हम लोगों के जो स्किन ड्राई हुआ रहता है, जो हाथों का चेहरे का, वो ड्राइनेस चला जाता है और स्मूथ होता है। बस आप भी एक बार ज़रूर ये क्रीम घर में बना के ट्राई कीजिएगा। ये मैं इसको स्टोर करके रखूँगी, हफ्ता से 10 दिन तक आराम से ये चला जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो आप भी इस तरह से घर में ही क्रीम बना के लगाना चाहते हैं और अपना ड्राइनेस रफनेस हटाना चाहते हैं हाथ से चेहरे से, तो ज़रूर एक बार बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। अगला वीडियो में फिर से अच्छा लेके आने का कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मैं रोशनी बानू आप लोग से विदा लेती हूँ। Bye-bye, take care.